के चीफ मिनिस्टर KCR 1500 रुपये और राशन देने की बात कर रहे थे, अभी तक किसी को नहीं पहुंचा, इस पे आपका क्या बोलना है? देखिए, दरअसल आपका सवाल खुद एक कन्फ्यूजन वाला सवाल है। आपका सवाल को मैं यहाँ पर रोकता हूँ और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम शहर हैदराबाद के अंदर रहते हैं। शहर हैदराबाद के अंदर जब हम रहते हैं तो शहर हैदराबाद मुसलमानों के इत्तेहाद का मरकज है। मुसलमानों की एक यहाँ पर सियासी जमात है, उस जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जब लफ्ज़ मुस्लिम आता है तो मैं आपके सवाल को यहाँ पर रोकता हूँ कि मुस्लिम का जब लफ्ज़ आता है तो शरीयत हम पे लागू होती है। तो शरीयत जब हमें लागू होती है तो हमारी शरीयत हमको ये कहती है कि मान लीजिएगा कि अगर मैं 1,00,000 रुपये का मालिक हूँ तो मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं 1,00,000 में से 2.5 यानी 2.5% मुझे ज़कात देने की ज़रूरत है, यानी 1,00,000 के 2,500 रुपये ज़कात देने का मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है। जब मुझे ये हुक्म दिया गया है तो मुझे ये बात समझनी चाहिए कि अगर 10,000 करोड़, पिछले कई दिन पहले हमने अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर हमने सुनी है, उस तकरीर में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 10,000 करोड़ के असासों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो जब 10,000 करोड़ के असासों का अगर 2.5% अगर ज़कात निकाला जाता है तो वो ज़कात होती है 250 करोड़ रुपया। अगर 250 करोड़ रुपया अल्लाह से डरकर और कौम की सही खिदमत के तौर पर अगर दिया जाता है तो शहर हैदराबाद के अंदर मैं नहीं समझता कि एक भी ऐसा घराना हो जहां पर भूख और फाखोकशी का मामला हो। लेकिन आज यहां पे हो रहा ये है, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा क्या है कि एक शहर के हैदराबाद के अंदर एक बेचारे कोई गरीब कोई कारोबारी आदमी है, वो एक अपना एक ट्रस्ट चलाते हैं, उनके कई कारोबार है, शादी खाने, आरआर गुटखा, आरआर मसाला, कई नाम से वो शहर हैदराबाद के अंदर जो है कारोबार करते हैं। तो उनके कारोबारों के अंदर जो है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं जो आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से चलाया जाता है। वो अल्लाह से डरकर और अपनी मरहूम बेटी के ईसाल सवाब के लिए वो जो है ज़कात का मामला जो है ज़कात और खैरात का मामला वो शुरू करे हैं। लेकिन जैसे ही वो शुरू हुआ, हमारे सदर जमात के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर चला दिया कि ये, ताकि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ये समझें कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो चल रहा है, ये जो बांटा जा रहा है, ये जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बांटा जा रहा है। देखिए, मासूम मुसलमान जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अंदर और उत्तर झारखंड वगैरह के अंदर जितने मासूम मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फॉलो करते हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ये जो है असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से बांटा जा रहा है। तो मैं एक मिसाल है हैदराबाद की, जो पुरानी मिसाल है, मैं समझता हूँ वो मिसाल इन्हीं के ऊपर मुअसर है। वो ये कहते हैं कि मामू की दुकान पर नाना की फातिहा। ये जो मिसाल है, ये मिसाल बिल्कुल इसी पर मुअसर है। ये देखिए, कर कोई और रहा है, उनका मकसद कुछ और है, उनका इरादा कुछ और है, उनकी नीयत कुछ और है, लेकिन अचानक से असदुद्दीन अवैसी साहब उसमें कूद पड़ते हैं और अपनी सियासत चल देते हैं। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तो जो है इस वक्त ज़रूरत है कि वो 10,000 करोड़ के असासों की अल्लाह से डर के उसका 2.5% अगर ज़कात और फितर ज़कात और खैरात के नाम पर अगर निकाला जाता है तो वो जो है 250 करोड़ रुपया निकाला जाता है। और वो 250 करोड़ रुपया अगर निकाला जाता है तो मैं समझता हूँ 35,000 घरों को, शहर हैदराबाद के अंदर 35,000 घरानों को हर घर पे 50,000 रुपये तक का दिया जा सकता है। इसके अंदर गुर्बत और जो अब लोग जो सड़कों पे निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं, उनके घर में तेल नहीं है, उनके घर में दूध नहीं है, उनके घर में राशन नहीं है, वो लेने के लिए वो निकल रहे हैं और पुलिस की लाठियों की मार खा रहे हैं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ ईमानदारी से अगर उन पैसों को जो है आवाम तक पहुँचा देती है तो मैं नहीं समझता कि शहर के अंदर किसी भी बच्चे को लाठी पड़ सकती है। देखिए, हम किसी के मोहताज नहीं है। अगर हम सही तौर पर ज़कात दिया जा सकता है, अगर हम सही तौर पर ज़कात और फितरा हम जो ज़कात अगर हम निकालते हैं तो मैं नहीं समझता कि हम किसी हुकूमत के ताबे होते हैं। यहाँ पर मैं और एक कमेंट में सुबह में पढ़ा था, मैं उस लड़के के कमेंट का मैं सताइज करता हूँ, उस लड़के के कमेंट को मुबारकबादी देता हूँ, जो वो लड़के ने 10,000 करोड़ 250 करोड़ के जो है कमेंट को एक्सप्लेन किया है, मैं उस लड़के को मुबारकबादी देता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से उसने कमेंट किया है। यहाँ पर अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको इस बात को सोचने की ज़रूरत है। ये लोग कोई और लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है चाहते हैं कि जो है बस पब्लिसिटी स्टंट चल दें, कुछ भी एक ऐसी बात आवाम के दरमियान में फैला दें। वो जब मैं असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब वो वीडियो डाला आरआर मसाले वाले जो राशन की तकसीमी का जब वीडियो डाला, तो उसके अंदर देख रहा था कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, अरे असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं बांटे अब तक, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई MLA अब तक सड़कों पर नहीं आया,
आया भी तो बेचारा एक साबिका कॉर्पोरेटर और एक मौजूदा कॉर्पोरेटर, दो दो बन और दो माउस लेके जो है हॉस्पिटलों में बांट रहे, वो बेचारा उनकी हैसियत जितनी है हैसियत के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन 10,000 करोड़ के असासों के मालिक आज अपने आलिशान बंगलों में बैठ के खाली फेसबुक और ट्विटर के जरिए जो है इस कोविड मुहिम को कोरोना वायरस की। मोहम्मद या शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद, मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मद या शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मद या शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेतीबली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, हादरबाग, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H News। हकीकत जानिए, 7H News देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H News, आपकी आवाज़।